अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय डेली नाइट केयर रूटीन। इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ लड़कियों ने मैसेज किए थे कि आप अपनी स्किन केयर के बारे में भी कोई व्लॉग बनाएं। तो मेरी स्किन केयर इतनी अच्छी तो खास नहीं है, लेकिन जो भी है, जितनी भी है, इस वीडियो में मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बालों को टाई करना है। अभी मेरे फेस पे मतलब मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए, अगर मैंने मेकअप किया हुआ हो तो बायोडर्मा का ये मेकअप रिमूवर है, यू कैन सी। तो इससे मैं अपना जो मेकअप है वो सबसे पहले रिमूव करती हूँ। बस ये थोड़ा सा लगा। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ ना, अगर मैंने कोई कॉस्मेटिक यूज़ किया होता तो फिर ये पूरा भर जाता। आप लोगों को बताने के लिए यूज़ किया, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी ये यूज़ करने की। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए ना, गाइड करने के लिए ये यूज़ किया है। अगर आपने मेकअप किया है तो आप मेकअप रिमूवर से सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करें, देन कुछ और करें। और अगर आपने मेकअप नहीं किया हुआ तो आप सिंपल फेस वॉश कर सकते हैं। आप जो फेस वॉश यूज़ करते हैं, आप उस फेस वॉश से अपना फेस वॉश करें। मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, पहले करती थी, लेकिन जब से मुझे वो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हुई है तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप डव सोप यूज़ करें। और ट्रस्ट मी, डव सोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। तो मैं अब डव सोप यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो मेकअप रिमूव करने और फेस वॉश करने के बाद मैं ये सरावे का हाइड्रेटिंग फेशियल क्लींजर है ये यूज़ करती हूँ। और सिर्फ इतना सा, और पहले आपने इसको अपने हाथों पर थोड़ा सा लगाकर, फिर डायरेक्ट कोई भी चीज़ फेस पर अप्लाई नहीं करनी है। आपने जब मसाज करना है तो आपने बहुत हल्के से ना, बहुत ही सॉफ्ट मसाज करना है, अपनी स्किन को रगड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा। ये रोज़ वाटर स्प्रे है, ये यूज़ करती हूँ। अगर आप अपनी स्किन का घर में फेशियल करते हैं या मसाज करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं, क्योंकि ये ना जो जो भी हम प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हैं ना, हमारे फेस पे पोर्स होते हैं तो वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके लिए आप कुछ, बहुत से लोग हैं जो पानी यूज़ करते हैं, पानी हाथ में लेते हैं और फिर उसको, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है हमारा फेस, तो पानी से ज़्यादा बेटर है कि आप रोज़ वाटर यूज़ करें। रोज वाटर से स्प्रे करके आपने फिर मसाज करना है। 5 मिनट मैंने मसाज किया है और मेरे लिए 5 मिनट का जो क्लींजिंग है वो काफ़ी है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मेरे फेस पे इन यहाँ पर पोर्स हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा अपनी स्किन को छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जितना आप अपनी स्किन को रब करते हैं ना, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो आपने ज़्यादा अपनी स्किन को जो है ना, तकलीफ नहीं देनी। उसके बाद ये स्पंज है, इससे मैं अपना फेस साफ करूंगी। फेस मैंने जो है वो अपना सारा साफ कर लिया है, और क्लींजिंग के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये सेफोरा का है, ये विटामिन सी का मास्क है। वो इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, मैं स्क्रब यूज़ नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा स्क्रब यूज़ करने से ना मेरी स्किन ख़राब होती है, पिंपल्स आ जाते हैं, इसलिए मैं जो है अपने फेस पर स्क्रब यूज़ नहीं करती। मुझे लगता है कि
अब ऐसा भी नहीं है कि आप सब लोग नहीं कर सकते, जिनको सूट करता है वो किसी अच्छी ब्रांड का स्क्रब जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, लेकिन डेली नहीं, वंस इन अ वीक। ये जो मास्क है ये मैं डेली अपने फेस पर अप्लाई नहीं करती हूँ, आज कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी स्किन थोड़ी सी रफ हो गई थी इसलिए मैंने आज, और फिर मैंने वीडियो भी बनानी थी आप सबके लिए, तो इसलिए मैंने स्क्रब सॉरी मास्क जो है ये यूज़ किया है, अदरवाइज मैं डेली मास्क नहीं अप्लाई करती। क्लींजिंग मैं डेली करती हूँ और रोज़ वाटर मैं डेली लगाती हूँ फेस पर। क्लींजिंग में हाँ, सिरावी से मैं क्लींजिंग डेली करती हूँ, लेकिन स्क्रब मैं करती नहीं हूँ। और ये जो मास्क है ये भी मैं डेली नहीं, ये मास्क भी मैं वंस इन अ वीक यूज़ करती हूँ। तो आपने भी ना, आप सबको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अपनी क्लींजिंग फेस वॉश डेली करें, कॉस्मेटिक जब आप यूज़ करें तो मेकअप रिमूवर से उसको रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद क्लींजिंग करें। मेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है जी। तो वॉशरूम में जब तक मैं रहती हूँ और मैं गाती रहती हूँ, ऐसा किस किस के साथ होता है, कौन कौन बाथरूम सिंगर है। तो मैं जितनी देर वॉशरूम में रहती हूँ, मेरी अम्मा बोलती हैं वॉशरूम में गाते नहीं हैं, वॉशरूम में मोबाइल नहीं लेकर जाते, वॉशरूम में ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन वॉशरूम में ना आवाज़ बहुत अच्छी लगती है अपनी, हर बंदे को लगता है कि उसके अंदर एक सिंगर है, तो मुझे लगता है सब गाते होंगे वॉशरूम में, सिर्फ आई एम नॉट द ओनली वन। स्पंज से हमारा फेस प्रॉपर क्लीन तो नहीं होता ना, तो इसलिए फेस वॉश करना ज़रूरी है। मैं टॉवल भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं टॉवल यूज़ करूँ तो मेरे फेस पे छोटे 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 पिंपल्स बन जाते हैं। फेस वॉश करने के बाद मैं क्या करती हूँ, ये सिरावे का मॉइस्चराइज़र है, देख रहे हैं आप, इतना सा लेना है, थोड़ा सा, कोई भी चीज़ है ना वो मंडनी नहीं है अपनी स्किन, अपनी स्किन में मंडनी नहीं है, वो थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स लें, कोई भी सीरम हो उसके 2-3 ड्रॉप से ज़्यादा ना लें, और सीरम हो या कोई भी मॉइस्चराइज़र हो कोई भी चीज़ हो उसको डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई ना करें, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं, बेस्ट सीरम फॉर दोज जिनको एक्ने इश्यूज हैं, ये और कोई नहीं यूज़ कर सकता। देखें इसका नाम ही एक्नेज है, ठीक है, तो जिनको एक्नी प्रॉब्लम है, जिनके फेस पे पिंपल हैं, ये सीरम सिर्फ उनके लिए बेस्ट है, बाकियों के लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो जिनको एक्नी प्रॉब्लम है मेरी तरह, ये देखें मेरे फेस पे एक्नी है, ये एक्नी है, ये तो कोई स्कार है, ठीक है, तो मेरे फेस पे एक्नी है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये सीरम, इसके भी सिर्फ 1-2 सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं ऐसे, और हल्का हल्का अपने फेस के ऊपर ऐसे टैप करना। कैस्टर ऑयल आपके आईब्रोज और आपके आईलैशेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने एक दफ़ा ना आईलैशेस एक्सटेंशंस लगाई थी, तो उसके साथ वो मुझे शौक था कि मैं आईलैशेस लगा लूँ, तो फेक लैशेस जो एक्सटेंशंस होती हैं वो मैंने लगाई, और उसके बाद हुआ ये कि शौक तो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जो मेरी अपनी लैश है, जब मैं सुबह उठती थी ना तो मेरे फेस पर एक वो फेक लैश होती थी और वो फेक लैश के साथ मेरी अपनी लैश होती थी, मेरी लैश
उड़ गई सारी उन लैशेस की वजह से, क्योंकि वो फेक है और वो जेल के साथ ना आपके ओरिजिनल एक एक हेयर के साथ वो जो है अटैच करते हैं लैश, तो फेक चीज़ तो फेक ही होती है। उसके बाद से जो मेरी लैशेस है ना वो बहुत वीक हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, उड़ गई थी समझ लें। तो मैंने जो है कैस्टर ऑयल यूज़ किया था और उससे हेयर मेरी जो लैशेस ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मुझे डॉक्टर मदीहा जो है उन्होंने मुझे ये लैश अप ड्रॉप्स जो हैं ये रिकमेंड किए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैं भी ये आज ही ट्राई कर रही हूँ। इन ड्रॉप्स को पहले हम इधर कैप में डालते हैं और फिर इस ब्रश, इसके साथ वो ब्रश भी देते हैं के साथ। उसके बाद ये बाम है जो मैं यूज करती हूँ हर वक्त। ये थी मेरी डेली नाइट की रूटीन, सिंपल सी, और जो कि सिंपल ही मेरे ख्याल से होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो स्किन के साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी है। मेरी अपनी स्किन पे हर चीज़ सूट नहीं करती, मेरी सिर्फ कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो मुझे सूट करती हैं, जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। जैसे ये क्लींजर है सरावे का, मॉइस्चराइज़र है, रोज़ वाटर है और बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर है। ये चीज़ें तो मस्ट है। तो ये थी मेरी डेली की स्किन केयर रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके अलावा अगर आपको भी कोई इशू है स्किन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो कुछ मेरी नॉलेज में हुआ या जो मैंने यूज़ किया हुआ, जो मुझे पता हुआ, वो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सब अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, अपने हाइड्रेट रखें स्किन को, पानी ज़्यादा पिएं और सोने से पहले लाजमी अपना जो फेस है वो वॉश करें। अगर आप कोई भी क्लींज़र यूज़ करें, अच्छा क्लींज़र यूज़ करें। और एक और चीज़ मैं जाते जाते आपको बताऊं कि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी ब्रांड या कुछ भी, तो वेज़लीन बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग अपना सिंपल किसी भी फेस वॉश से फेस वॉश करें, वेज़लीन अपने हाथों में लें, वेज़लीन से आप जो है स्क्रब करें अपने फेस को, और उसके बाद आप किसी भी स्क्रब कपड़े या टिश्यू पेपर, साफ कपड़े, ठीक है, उससे अपना फेस को क्लीन करें। और आप मॉइस्चराइज अपनी स्किन को वेज़लीन से भी कर सकते हैं, वेज़लीन इज़ वेरी गुड। मेरे अभी जो मुझे स्किन प्रॉब्लम हुआ था तो उन 2-3 हफ्तों में मैं डेली वेज़लीन यूज़ करती थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था क्योंकि मेरी स्किन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र, इवन सरावे भी मैं यूज़ करती थी। तो जब मुझे एलर्जी हुई थी तो मेरी फेस पे इचिंग होती थी किसी भी प्रोडक्ट से। तो अभी तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया ना, चिकन और बीफ और ड्राई फ्रूट नट्स। तो उसके बाद अब आके मैंने वेजिटेबल यूज़ की, वो सारा प्रोसीजर किया जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसा ही किया, तो मेरी अब स्किन नॉर्मल हुई है। तो अब आकर मैंने ये सब किया है, अदरवाइज ये 2 हफ्तों में मैं सिर्फ वेज़लीन यूज़ कर रही थी। तो अगर आप लोग कुछ और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप लोगों के पास कोई और ऐसा प्रोडक्ट नहीं है या ये सब नहीं है, तो आप सिंपल अपना फेस वॉश करें और जो वेज़लीन है ना, जॉनसन्स की जो वेज़लीन है, पेट्रोलियम जेली है जो, उससे आप डेली फेस वॉश करके सिर्फ अगर आप पेट्रोलियम जेली ही लगाएंगे ना डेली अपने फेस पर थोड़ी सी, तो आपकी स्किन में एक एक्स्ट्रा ग्लो आएगा, आपकी स्किन नीट रहेगी। जब आप अपनी स्किन को ड्राई रखते हैं तब आपके फेस पर स्कार्स, पिंपल्स, रिंकल्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपका अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, दैट्स इट। तो डेली अपने फेस को वॉश करें और सोने से पहले अपने फेस, हैंड और फीट को मॉइस्चराइज करना मत भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।